नोरा अपने पुराने घर में एंटर करती है और किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रही होती है कि हमें यहाँ शिफ्ट हुए 15 दिन हो गए, क्या आपके पास अभी तक कोई भी अच्छा ऑफर नहीं आया। फिर नोरा रूम में जाकर देखती है तो डीड फिर से अपना जॉन ग्राफ वाला राग छेड़कर बैठ जाता है। वो कहता है हम किसी आर्टिस्ट को बुलाकर जॉन का स्केच बनवा सकते हैं जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनकर हमारे घर आया था, फिर उसे सारे शहर में छपवा देंगे। तभी नोरा कहती है डीन हमें ये सब बंद करना होगा, प्लीज अपनी हार मान लो क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। डीन कहता है तुम सबको सेफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है, कल यहाँ एक साइको ने 2 बंदों को ट्रेन की पटरी पर धक्का मार दिया, कैसा शहर है ये, हम यहाँ भी सेफ नहीं है, हमें वापस वहीं पर जाना होगा। उस वॉचर को ढूंढने के और भी कई तरीके हैं। नोरा कहती है ये राज अब कभी नहीं खुलेगा, हमने लोगों पर शक करके उन्हें अपना दुश्मन बना दिया है, हमें सच्चाई को फेस करना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। फिर डीन और नोरा थियोडोरा का पता लेने हॉस्पिटल जाते हैं। थियोडोरा कहती है उन्होंने मुझे ट्रायल से हटा दिया है क्योंकि मेरा कैंसर ज्यादा फैल चुका है। नोरा कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। थियोडोरा कहती है पास में ही एक ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ से मुझे एक सिगरेट का पैकेट और बियर की बोतल चाहिए, मैं मरने से पहले एक बार पीना चाहती हूँ। फिर डीन के जाने के बाद वो नोरा से पूछती है तुम परेशान लग रही हो। नोरा कहती है हमारा वो घर सेल ही नहीं हो रहा है। फिर डोरा पूछती है क्या तुम बैंकक्रप्ट होने वाले हो। नोरा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे आर्टिकल जोरों शोरों से बिक रहे हैं, मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे डीन की चिंता है, उसने सस्पेक्ट का बोर्ड फिर से घर में लगा दिया है। थियोडोरा कहती है मैंने ऐसे केस देखे हैं, जब तक मुजरिम पकड़ा न जाए इंसान पागल हो जाता है। इतने में डीन सामान लेकर आ जाता है। अगले दिन नोरा न्यूज़पेपर लेकर डीन के पास जाती है और बताती है कि वैसे ही धमकी भरे लेटर्स हमारे पड़ोसियों को भी मिले हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ही नहीं बल्कि सभी के पीछे पड़ गया है। फिर नोरा पूछती है डीन क्या वो लेटर तुमने तो नहीं भेजे। डीन कहता है हाँ, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नोरा कहती है क्यों फालतू के पचड़ों में फंस रहे हो। डीन कहता है मैं उस वॉचर को ढूंढ के ही रहूंगा। नोरा कहती है तुम इन सब चीजों में इतना उलझ गए हो कि अब तुम पागल हो रहे हो, इसलिए तुम अभी जाओगे और उन सभी से माफी मांगोगे। तभी डीन के पास थियोडोरा का फोन आता है। थियोडोरा उसे कहती है मैं तुम्हें मुजरिम के बारे में बताने वाली हूँ लेकिन तुम वादा करो उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डीन कहता है मैं वादा करता हूँ। फिर थियोडोरा कहती है कि तुम्हें वो घर मैंने ही बेचा था, उस घर की पिछली मालकिन मैं ही हूँ। डीन कहता है क्या तुम ही वो वॉचर हो। थियोडोरा कहती है मेरे पति की मौत के बाद 5 साल तक मैं ऐसे घर को ढूंढती रही जो मेरे सपनों का घर हो लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। उन दिनों मैं सिंगिंग किया करती थी, मेरे पास काफी पैसे थे, तुम्हारा घर देखते ही मैंने ऐसा ऑफर दिया कि वो लोग मेरा ऑफर ठुकरा ही नहीं पाए। फिर कुछ दिनों बाद मुझे कैंसर का पता चला जो काफी फैल चुका था, यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया लेकिन मेक्सिको में एक ऐसा डॉक्टर मिला जो इसका इलाज कर सकता था लेकिन इलाज बहुत महंगा था इसलिए मुझे घर बेचना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे कामचोर पति ने $1.4 मिलियन की रॉयल्टी छुपा कर रखी हुई है, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं शायद घर ही नहीं बेचती, लेकिन तब तक तुम उस घर को खरीद चुके थे, मुझे बस तुम्हें डराकर वो घर खाली करवाना था। जब मैं वहाँ रहा करती थी तब मुझे उस घर के लिए लव लेटर मिले और जब मैंने उनकी छानबीन की तो मुझे रोजर कैपलिन के बारे में पता चला, बस वहीं से मुझे लेटर लिखने का आइडिया आया। डीन कहता है तुम ये सब क्यों कन्फेस कर रही हो। डोरा कहती है तुम कितनी भी कोशिश कर लेते कभी सच का पता नहीं लगा पाते और ये बात तुम्हें खाई जाती, तुम अच्छे इंसान हो डीन और ये सब चीजें डिजर्व नहीं करते और जॉन ग्रिफ कभी था ही नहीं, उस करेक्टर का निर्माण मैंने ही किया था और वो क्राइम सीन की पिक्चर्स वो भी किसी और मर्डर की थी, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर तुमसे मिलने के लिए आया था वो भी मैंने ही हायर किया था। डीन पूछता है वो लड़की जो मेरे बेडरूम में मिली थी वो कौन थी। थियोडोरा कहती है कि मैंने पता लगाया कि तुम्हारे घर के किस हिस्से में कैमरा नहीं लगा, फिर मैंने वहीं से उस लड़की को एक मिस्त्री की ड्रेस पहनाकर घर में एंटर करवाया और एंड्रयू भी एक नंबर का नशेड़ी था इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर मैंने उसे कुछ लेटर्स दिए और कहा कि ये लेटर्स तुम्हें मिले थे तो उसने मान लिया, उसने कहा मुझे घर की तारीफ वाले लेटर तो याद है, शायद ये भी मिले होंगे मुझे कुछ याद नहीं। डिटेक्टिव रुड़की और केरन भी इसमें शामिल नहीं थे। जिस दिन मैंने तुम्हें पहला लेटर लिखा उस दिन मैंने डिटेक्टिव को फोन करके कहा कि अगर कोई काम हो तो बताना, इसलिए उसने आप लोगों को मुझे सजेस्ट किया, मेरे मरने के बाद तुम्हें सच्चाई कभी भी पता नहीं चल पाती इसलिए मैंने तुम्हारे आगे सारे राज खोल दिए। फिर डीन घर आकर सारी बात नोरा को बताता है, ये बात सुनकर नोरा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, वो कहती है मैंने एक दोस्त की तरह उससे हर बात शेयर की और ये कहकर वो रोने लगती है। अगले दिन डीन बिगमो के पास जाता है और अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। बिगमो कहती है मेरे हस्बैंड की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई और मेरा बेटा 2 मर्डर करके जेल चला गया, इन तकलीफों के आगे तो तुम्हारी दी हुई तकलीफ कुछ भी नहीं है। डीन कहता है मुझे वॉचर का पता चल गया है, वो हमारी ही हायर की हुई डिटेक्टिव थी, वही अफ्रीकन लेडी इस घर की पुरानी मालकिन थी। बिगमो कहती है नहीं, तुम्हें ये घर सुमैंथा और टेड फॉरेस्ट ने बेचा था और पिछले 20 सालों से यहाँ कोई भी अफ्रीकन लेडी रहने नहीं आई। फिर थियोडोरा की डेथ हो जाती है, डीन और नोरा उसके फ्यूनरल पे अफसोस करने के लिए जाते हैं। डीन उसकी बेटी को कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हमसे पहले उस घर में तुम्हारी मोम रहा करती थी, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले बताया कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ वो उन्होंने ही किया है। थियोडोरा की बेटी कहती है नहीं ये सब कुछ झूठ है, वो मरने से पहले ये केस सॉल्व करना चाहती थी, उनके पास टाइम कम था इसलिए उन्होंने खुद ही इस कहानी का एंड लिख दिया, वो खुद को गुनाहगार बनाकर आपको सुकून भरी लाइफ देना चाहती थी। अगले सीन में हम डीन और नोरा को खुशियां मनाते हुए देखते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए एक खरीदार मिल गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पर्ल के घर एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें डीन के सभी सस्पेक्ट होते हैं, वे आपस में एक दूसरे को इंट्रो देते हैं। उस मीटिंग में जॉन अपना नाम बिल बताता है और वे आपस में 657 बुलेवार्ड में आए नए पड़ोसी की बात करते हैं। दरअसल डीन का घर केरन ने खरीदा था, कहानी अभी भी काफी उलझी हुई थी क्योंकि अभी तक भी ये पता नहीं चल पाया था कि डीन का घर खाली करवाने के लिए कौन उसे मजबूर कर रहा था। तभी केरन से मिलने नोरा उसके घर आती है, नोरा उसे कहती है तो इन सब के पीछे तुम ही थी। केरन कहती है कि तुमने उन फालतू
गए लेटर्स पर यूं ही ध्यान दिया। तुमने राय का पहाड़ बनाकर अपने घर की वैल्यू खुद ही कम कर दी। तुमने मेरी उस 2 मिनट की डेट का हमेशा के लिए एंड कर दिया, इसलिए मैंने तुमसे ये घर छीन लिया। उठो और निकल जाओ यहाँ से। नोरा कहती है तुम इस घर में खुश नहीं रह पाओगी। फिर नोरा जाते जाते उसे कहती है मैं तुम पर नजर रखूंगी। थोड़ी देर बाद केरन के घर पर्ल और बिगमो आती है और अपना इंट्रो देती है। वे उसके लिए खाने की कोई डिश भी बनाकर लाई थी, लेकिन केरन कहती है मैं अभी डाइट पर हूँ तो इन चीजों को आप खुद ही एंजॉय कीजिए। ये कहकर वो अपने घर का दरवाजा उनके मुंह के ऊपर ही बंद कर देती है। रात को घर लॉक करते समय केरन को एक साइरन कॉल आती है। तभी केरन को अपने घर में पानी की आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करती है तो किसी ने उसके बाथरूम की टैप ऑन कर दी थी। उस पानी के कारण उसका हाथ भी जल जाता है। फिर केरन डिटेक्टिव को फोन करती है और उसे आने के लिए कहती है, लेकिन डिटेक्टिव कहता है ना तो मैं आऊंगा और ना ही किसी को भेजने वाला हूं। तुम्हें ही इस तरह की लाइफ पसंद थी, अब रहो ऐसी लाइफ में। तभी केरन का कुत्ता भौंकता है। जब उसकी आवाज सुनकर वो बेसमेंट में जाती है तो वो एक दीवार की तरफ देखकर भौंक रहा होता है। केरन चेक करती है कि वहां पर कोई छुपा तो नहीं हुआ या फिर कोई सीक्रेट दरवाजा हो, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो अपने घर की सफाई करती है, बाथरूम की सफाई करती है और सोने चली जाती है। फिर सोते हुए केरन को अपने घर में म्यूजिक की आवाज आती है। फिर वो देखने जाती है कि ये म्यूजिक की आवाज कहां से आ रही है, लेकिन तभी उसे डंप वेटर के अंदर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि डियर केरन, 657 बुलेवार्ड ने आपको यहां पर बुला ही लिया। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। अब ये घर चाहता है मैं अपने काम पर लग जाऊं। ये आपको मिलने वाला आखिरी लेटर नहीं है। दिन ब दिन हमारी दोस्ती और भी गहरी होती जाएगी। ये पढ़ते ही केरन वहां से रफ चक्कर हो जाती है। लेकिन तभी अपने एंट्री गेट के सामने उसे अपने डॉग की लाश मिलती है और उसके पीछे से स्टेयर की बिग स्टेप में से एक काले कपड़े पहने हुए आदमी निकलता है। उसे देखकर केरन चिल्ला उठती है और वहां से भाग जाती है। अब कुछ महीनों बाद डीन अपने डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है अब मैं पहले से और भी बेहतर महसूस कर रहा हूं। लेकिन बात करता करता वो फिर से बात को घुमाकर 657 बुलेवार्ड की तरफ ले जाता है। वो बताता है कि केरन उस घर में 48 घंटे भी नहीं टिकी और उसने वो घर घाटे में ही बेच दिया। डॉक्टर कहता है तुम फिर से उस घर की बात करने लगे, मैंने तुमसे उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। डीन कहता है मैं भुलाई नहीं भूल पाता कि किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया और मुझे ये तक पता नहीं है कि ये बुरा करने वाला इंसान कौन था। अगले सीन में हम उस घर के नए मालिक बेन को देखते हैं। तभी वहीं से रोजर कैप्टन अपनी वाइफ के साथ उस घर की तरफ देखते हुए गुजरता है और उसके बाद डकोटा वहां आता है और अपना बिजनेस कार्ड छोड़कर चला जाता है। फिर उनका पागल पड़ोसी जैस्पर उन्हें तंग करने लगता है। पर्ल आती है और उसे ले जाती है। एंड्रयू भी कहीं झाड़ियों में बैठकर उस घर को देखकर रो रहा होता है। वहीं बिगमो भी अपनी दूरबीन लेकर उस घर की तरफ झांक रही होती है। फिर हमें जॉन क्रिफ दिखाया जाता है जो उस घर के सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर उनके बीवी बच्चों को देख रहा होता है। अब डीन भी उन पागलों में शामिल हो गया था, वो भी बाहर खड़ा होकर उस घर को देख रहा होता है। तभी घर का ओनर बेन वहां आता है और कहता है कोई हेल्प चाहिए। डीन कहता है नहीं, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। वो बेन को अपना नाम जॉन बताता है। बेन अपने लेटर बॉक्स से लेटर निकालता है और घर में चला जाता है। तभी डीन को नोरा का फोन आता है। वो पूछती है तुम कहाँ हो। डीन कहता है मैं जाम में फंसा हूँ। फिर डीन वहां से चला जाता है और उसके जाते ही उसके पीछे एक और कार आकर रुकती है। उसमें नोरा बैठी होती है। वो समझ जाती है कि डीन इंटरव्यू देने के लिए नहीं बल्कि इस घर को देखने के लिए आया था। फिर वो भी इस घर को देखती है और यहीं पर इस सीरीज का एंड हो जाता है।